हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर SST न्यूज चैनल पर। तो आज 23 जुलाई 2022 से दिन शनिवार, आइए बात करते हैं दिन भर के ताज़ा समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की। इस वीडियो में नज़र डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। बता दें भाई, श्रेणी की सुरक्षा मिलने पर बदले ओम प्रकाश राजभर के सूर्य, कहा अखिलेश यादव के साथ तलाक के पेपर तैयार हैं। दोस्तों, सुबह सपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की शासन के निर्देश बारे वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। सुरक्षा मिलते ही उप राजभर अब समाजवादी पार्टी के साथ तलाक की बात पर अधिक जोर देने लग गए हैं। दोस्तों, जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में उनके पाला बदलने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। इन चर्चाओं को लेकर अब सुबह सपा प्रमुख का बयान भी आ गया है। दोस्तों, बता दें अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए आंदोलन से रेलवे को हुआ 259.44 करोड़ रुपये का नुकसान। बता दें, रेल मंत्री अश्विनी विशाल ने राज्यसभा में शुक्रवार को राज्यसभा सांसदों के कई सवालों के जवाब दिए। इनमें कई सवाल केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए आंदोलन से संबंधित भी हुए थे। दोस्तों, शुक्रवार को इन सवालों का जवाब देते हुए रेल मंत्री अश्विनी विशाल ने सदन को बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आंदोलन से रेलवे को 259.44 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इस आंदोलन के दौरान 15 जून से 23 जून के बीच 2132 ट्रेनें रद्द कर दी गई। फिलहाल आंदोलन से प्रभावित सभी ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं। दोस्तों, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, बरेली में पेट्रोल डीजल के रेट कल जैसा, यूपी में आज तेल के दाम। बता दें, देश में पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी हो गए हैं। यूपी के शहरों में पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों, यूपी के शहर में आज यानी 23 जुलाई शनिवार को पेट्रोल डीजल और LGP के प्रति लीटर किलोग्राम के दाम बढ़े। बता दें, तेल कंपनी इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक लखनऊ में पेट्रोल 96.57 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.76 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। वाराणसी में पेट्रोल 97.39 और डीजल 90.56 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। तो आगरा में पेट्रोल 96.35 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.52 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। दोस्तों, मेरठ में पेट्रोल 96.31 रुपये और डीजल 89.49 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर पहुंच गया है। साथ ही कानपुर में पेट्रोल 96.26 रुपये और डीजल 89.45 रुपये लीटर बिक रहा है। दोस्तों, बता दें, सरकारी नौकरियों में पूर्व सैनिकों की लगातार घट रही संख्या, 2015 से 2021 में देखी गई भारी गिरावट, लोकसभा में केंद्र सरकार ने दी जानकारी। दोस्तों, बता दें, सरकारी नौकरियों में भर्ती होने वाले पूर्व सैनिकों की संख्या में साल दर साल भारी गिरावट देखी जा रही है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 7 सालों में सरकारी नौकरियों में भर्ती हुई सैनिकों की काफी संख्या घटती जा रही है। दोस्तों, सरकार ने इस संबंध में कुछ आंकड़े शुक्रवार को लोकसभा में पेश किए। आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 से साल 2021 के बीच नौकरियों में पूर्व सैनिकों की भर्ती निरंतर कम हुई है। दोस्तों, केंद्रीय सुरक्षा और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को इस बाबत जानकारी दी। अजय भट्ट ने लोकसभा को एक लिखित जवाब में 2014 से 2021 तक पूर्व सैनिकों की भर्ती की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2014 में सरकारी नौकरियों में केवल 2322 सैनिकों की भर्ती हुई थी, जबकि 2015 में भर्ती की संख्या बढ़कर 10,982 तक पहुँच गई। दोस्तों, साल दर साल आंकड़ों पर बात करें तो 2015 के बाद से सैनिकों की भर्ती निरंतर घटती जा रही है। दोस्तों, सम्मेलन के दौरान केंद्र मंत्री मुरलीधरन और विपक्षी नेताओं के बीच हुई तकरार। दोस्तों, बता दें, केंद्र मंत्री विपक्षी मुरलीधरन ने शुक्रवार को एक सम्मेलन के दौरान विपक्षी दलों को आंतरिक लोकतंत्र पर और अति प्रभावन लोगों को प्रोत्साहित देने समेत कई सुझाव दिए तथा अविश्वास कार्य होने की बात कहकर वहां से चल दिए, जिस पर अन्य प्रतिभागियों के विरोध प्रकट कर दिया है। दोस्तों, मातृभूमि मीडिया समूह के अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी नेता MP वीरेंद्र कुमार की 86वीं जयंती के अवसर पर आयोजित एक सम्मेलन में विदेश एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुरलीधरन ने अपने विचार रखे हैं। दोस्तों, इस सम्मेलन में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज कुमार झा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जोन बिरतास, भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वेत्र और दास गुप्ता तथा नागरिक अधिकारी सक्रिय दायित योगेंद्र आदि मौजूद रहे। दोस्तों, बता दें, 20 लाख रुपए रिश्वत मांगने वाला लाइनमैन गिरफ्तार कर लिया गया है। बिजली बिल ठीक करने के लिए मांगी थी घूस। दोस्तों, मुरलीधर सब डिवीजन में तैनात बिजली विभाग के लाइनमैन को पानीपत विजिलेंस की टीम ने 50,000 रुपये रिश्वत देते हुए रंगे हाथों काबू कर लिया है। दोस्तों, आरोपी लाइनमैन सुमेर पर आरोप है कि उसने ओमेक्स सिटी के बिल को ठीक करने के नाम पर 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी।
बाद में आरोपी का 18 लाख रुपए में सौदा हो गया था। वे 50,000 रुपए एडवांस लेने के लिए बहरगढ़ रोड हुड्डा पार्क पर आया तो रंगे हाथों पकड़ लिया गया। फिलहाल आरोपी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों बता दें, धवन ने अपनी पारी से तोड़ा युवराज और रोहित शर्मा का रिकॉर्ड, प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। दोस्तों बता दें, शिखर धवन को बतौर वनडे कप्तान वेस्टइंडीज में अपने पहले मैच की जीत के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 7 विकेट पर पहले खेलते हुए 308 रन बनाए, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम जीत के लक्ष्य का पीछा करते हुए 50 ओवर में 6 विकेट पर 305 रन तक पहुंच गई और भारतीय टीम को सिर्फ 3 रनों से जीत मिली है। दोस्तों इस सांस थम देने वाला मुकाबले में वेस्टइंडीज की आखिरी ओवर में जीत के लिए 15 रन की जरूरत थी और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज विरोधी बल्लेबाज को लेकर ये स्कोर नहीं बनाने दिया। दोस्तों भारतीय टीम की जीत में कप्तान शिखर धवन की पारी का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने 97 रन की पारी खेली और पहले विकेट के लिए शुभमन गिल के साथ 119 रन की साझेदारी की और फिर तीसरे विकेट के लिए सेरिया अय्यर के साथ मिलकर 94 रन की साझेदारी करते हुए टीम के स्कोर को 308 तक पहुंचाने की मदद की। धवन अपनी इस पार्टी की वजह से प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। दोस्तों मतदाता सूचियों को दिया गया अंतिम रूप, दावे और आपत्तियों का हुआ निपटान। दोस्तों बता दें, हरियाणा में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसके लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रशासन कर दिया गया है। अब तक मतदाता सूची को लेकर जितने भी दावे और आपत्तियां की गई थी, इसका निपटान कर दिया गया। दोस्तों इस बारे में पंचायत विभाग की ओर से जिला उपायुक्त को पत्र लिख दिया गया है। अब कभी भी पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। दोस्तों पंचायत चुनाव की मतदाता सूची को कॉपी तैयार की जाएगी। सीधे तौर पर अब सूचियों में कोई भी नया नाम नहीं जुड़ेगा। अब विधानसभा स्तर पर यदि पंचायत चुनाव से पहले नई वोट बनती है तो उन वोटों को लेकर अलग से मतदाता सूची जारी हो सकती है। हालांकि ऐसा चुनाव आयोग की अनुमति से हो सकेगा। दूसरी ओर से पंचायत चुनाव को 2 चरणों में होने की संभावना के चलते दावेदारों में भी उलझन बनी हुई है। दोस्तों अब तक तो पंचायत चुनाव चरण में होते रहे हैं, इस बार कुछ नया होगा। ऐसे में पंचायत चुनावी प्रक्रिया लंबी खींचती नजर आ रही है। दोस्तों इसके चलते और इसके साथ ही आरक्षण का ड्रग भी नए सिरे से लगने का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों यूपी पुलिस ने कावड़ यात्रा के लिए नोएडा में लगाया और बनाया कंट्रोल रूम, बाइक सवार यात्रियों को बांटा हेलमेट और तिरंगा। जहां दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में शिव भक्तों की कावड़ यात्रा जोर शोर से चल रही है। ऐसे में प्रशासन की ओर से कावड़ में जा रहे भक्तों के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों इसी बीच उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यूपी पुलिस अपने नेक काम से सभी का दिल जीतने नजर आ रही है। दरअसल यहां पर पुलिस को कावड़ यात्रा कर रहे लोगों को हेलमेट और राष्ट्रीय ध्वज बांटते देखा जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि कावड़ियों की आवाजाही को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। दोस्तों नोएडा के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि श्रावण मास में शिव भक्तों ने हरिद्वार से गंगा जल लाना शुरू कर दिया है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भी सभी कावड़ मार्गों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दोस्तों गौतम बुद्ध नगर पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि यातायात नियमों के मद्देनजर पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने दोपहिया वाहनों पर सवार श्रद्धालुओं को लेकर हेलमेट और तिरंगा झंडा भेंट किया जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि तीर्थयात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही लगातार कावड़ मार्गों का निरीक्षण किया जा रहा है। दोस्तों पुलिस आयुक्त आलोक सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर तीर्थयात्रियों के लिए शिविरों में की गई व्यवस्था का भी जायजा ले रहे हैं। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी होने पर पुलिस कार्रवाई को तत्काल मदद करने का निर्देश दे रही है। दोस्तों यूपी में ट्रांसफर विवाद के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा, आज पीएम मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी 22 जुलाई को निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए दिल्ली में रात्रि भोज की मेजबानी की, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दिल्ली में द्रौपदी मुर्मू की राष्ट्रपति चुने जाने के बाद आज उन्हें बधाई देने पहुंचेंगे। हालांकि ये खबर है कि यूपी के तबादले को लेकर चल रहे विवाद के बीच तीनों नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है, जहां उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम आज देश की राजधानी में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं।
दोस्तों दिल्ली में 24 जुलाई को बीजेपी की होने वाली बैठक को लेकर भी संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी। दोस्तों सपा ने शुरू की गठबंधन से नाराज साथियों को मनाने की कोशिश, आज आजम खान के घर है सामने आई ये बड़ी तस्वीर। बता दें उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर से शनिवार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसके बाद फिर से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। दरअसल ये तस्वीर रामपुर से विधायक और समाजवादी पार्टी वरिष्ठ नेता आजम खान के घर से आई है। शनिवार को सपा विधायक के घर महान दल प्रमुख केशव देव मौर्या नजर आए, जिसके बाद माने जाने लगा कि सपा गठबंधन में नाराज साथियों के साथ बातचीत का दौरा फिर से शुरू हो गया है। दोस्तों शनिवार को रामपुर विधायक आजम खान के घर केशव देव मौर्या नजर आए। इस दौरान दोनों के साथ खाने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। वहीं एक अन्य तस्वीर में आजम खान की बेटी अब्दुल्ला आजम भी नजर आ रहे हैं। इस मुलाकात के बाद के देव मौर्या ने बताया कि आजम खान ये जानना चाहते थे कि उनकी गैर मौजूदगी में क्या क्या सियासी घटनाएं हुई। महान दल प्रमुख ने कहा कि सपा विधायक ने उन्हें मिठाई भी खिलाई है, इसके अलावा आजम खान उन्हें खाना खिलाने के लिए वहां पर ले गए हैं। दोस्तों बता दें 1.5 लाख पेंशन, 8 कमरे वाला घर और सिक्योरिटी, रिटायरमेंट के बाद पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन मिलती है इस विधायक। दोस्तों बता दें देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। नए राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू रामनाथ कोविंद की जगह लेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को हरा कर बड़ी जीत हासिल की। दोस्तों इसी बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदाई भोज दिया है। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए आज संसद भवन में विदाई समारोह आयोजित किया जा रहा है। रिटायर होने के बाद भी राष्ट्रपति को कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं।